प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 12 वर्ष तक कठोर तपश्चरण करने वाले, 12 वर्ष तक अखंड मौन धारण करने वाले, इस धरती पर यदि सबसे ज्यादा केवल ज्ञान के बाद भी कोई मौन रहा है तो वह महावीर भगवान मौन रहे हैं। 66 दिन तक भगवान बोले नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद भी जो मौन धारण करता है वो भगवान महावीर होते हैं। 66 दिन तक मौन रहे जिन्होंने बोला नहीं। इस धरती पर सबसे बड़ा मौन किसी ने पालन किया तो भगवान महावीर ने पालन किया। और इस धरती पर जब महावीर बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं, शायद जितना कोई दूसरा भी बोल नहीं पाया होगा। ध्यान रखना, राजगृह में प्रथम देशना हुई भगवान महावीर की, केवल ज्ञान जागृत करने के बाद। पहले का समय वह था कि एक के पुण्य से तीर्थंकर उस नगर में पहुंच जाया करते थे। एक व्यक्ति का पुण्य होता था तो तीर्थंकर खिंचे चले आते थे। आज जमाना बदल गया, आज पूरी समाज का पुण्य होता है तब किसी संत का चातुर्मास हुआ करता। इस उसमें मत रहना कि चंद लोगों ने हमारा चातुर्मास कराया। ये मत सोचना कि जो आगे की पंक्ति में है उनने हमारा चातुर्मास कराया। ये मत सोचना कि चातुर्मास कमेटी ने हमारा चातुर्मास कराया। ये पंचम काल है, मुनि महाराज किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं आते हैं। जिस नगर की धरती का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर के आकाश का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर की हवाओं का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर के पेड़ पौधों का पुण्य जोर मारता है, और जिस नगर के अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति तक का पुण्य जोर मारता है, अरे बड़े तो छोड़ो, छोटे से बच्चे का पुण्य जोर मारता है, तब दिगंबर संत का चातुर्मास प्राप्त सबका हिस्सा है। कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है। ये ऋषभदेव में जो चातुर्मास हो रहा है पूरा देश देख रहा है। आत्म साधना को, आराधना को लोग कह रहे थे कि इतने से कस्बे में कैसे चातुर्मास हो गया। कस्बा और शहर से चौमासा नहीं, तुम्हारा पुण्य इतना है ऋषभदेव वालों कि अहमदाबाद की हजारों की जनसंख्या भी नहीं रोक पाई और संत तुम्हारे यहां चातुर्मास करने आ गए। धनपतियों से क्या होता है, पुण्य से होता है। ध्यान रखना, अगर पुण्य में ना हो हिम्मत, पुण्य में ना हो हिम्मत तो ये जागीर नहीं मिलती और किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। ध्यान रखना, भगवान महावीर का समोसरण विपुलाचल पर पहुंचा राजा गृही में। राजा सैनिक की आवाज से कि प्रभु पधारो मेरी नगरी में, जगत का कल्याण करो नाथ। पहले तीर्थंकर होंगे एक ही नगरी में। कितनी बार समोसरण पहुंचा, 5 बार। राजा गृह की पंच पहाड़ियां दर्शन किए होंगे, नहीं किए तो कर लेना, करे बिना ऊपर मत जाना। पंच पहाड़ियों पर 5 बार भगवान का समोसरण पहुंचता है। कोई तीर्थंकर 5 बार एक नगर में नहीं गए। ध्यान तो मैं भी ऋषभदेव में कितनी बार 3 बार। कमाल है, भोजन बनाती है तो प्रेशर कुकर में कितनी सीटी बोलो, 4थी होगी तो गीला हो जाएगा चावल। ध्यान रखना है, 3 सीटी में तो खेल हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाओ, पहली घंटी बजती है, रेल पिछली स्टेशन से छूट चुकी है, दूसरी बजती है सावधान हो जाइए, तीसरी में ट्रेन आकर
तीन के बाद क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, अब क्या चाहिए और को, तीन हो तो गया तुम्हारा ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आए या तीन बार आए, यदि तुम्हारे नगर में प्रवेश करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। नगर में प्रवेश तो कोई भी कर लेता है, कोई भी आ जाता है चला जाता है, लेकिन हृदय में प्रवेश करा दिया तो समझना पुलक सागर को हृदय में प्रवेश नहीं कराना है। प्रवेश हृदय में यदि किसी को कराना है तो तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में प्रवेश कराना, जीना सार्थक हो जाए। पांच बार समोसा, महाराजा सैनिक को पता चला ऋतुएं बदल गई, फिजाएं बदल गई, ठंडक हो रही है मौसम में, रिमझिम फुहार बरस रही है। राजा श्रेणिक ने कहा ये तो बरसात का समय नहीं है, ये रिमझिम फुहार क्यों है? छह ऋतुओं के फल फूल बगीचों में आ गए। माली दौड़ा दौड़ा आया कि महाराज की जय हो। राजा श्रेणिक ने कहा क्या बात है माली, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले भगवान पूरे बगीचों में छह ऋतुओं के फल फूल लगे हैं, नदियों में जल भर गया है महाराज, फसलें लहलहा रही हैं, चारों तरफ आनंद बरस रहा है। राजा श्रेणिक ने कहा ऐसा क्या हुआ है? बोले क्या हुआ, सुखद वातावरण, निष्कंटक भूमि हो गई है, आकाश से मंद मंद गंधोदक की बरसात हो रही है, सुगंधित द्रव्य, आज पूरा राजा गृह नगर आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान महावीर का समोसरण पधार रहा है। राजा श्रेणिक ने कहा मेरे भगवान का समोसरण, मेरे नाथ मेरे नगर में पधारे। पहले ऐसा नारियल थोड़ी चढ़ाते थे कि जाओ जिन शरणम श्रीफल चढ़ाओ तो आएंगे, नारियल चढ़ाओ तो नहीं आएंगे। पहले भगवान श्री फल से नहीं आते थे, भक्तों के पुण्य से उस तरफ विहार कर दिया करते थे। समोसरण आया भगवात्मा का, राजा श्रेणिक ने कहा चलो चलते हैं भगवान के दर्शन को। मान्यवर एक बात याद रखना, ऐसा ही कुछ संदेश भरत चक्रवर्ती के राज दरबार में आया था। भरत जी के दरबार में महाराज की जय हो। भरत जी ने कहा क्या हुआ? बोले आयुधशाला में चक्ररत्न पैदा हुआ। भरत जी ने कंठ का हार तोड़ा और दे दिया उस संदेश वाहक की झोली में। दूसरा संदेश वाहक आया कि महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले रनवास में रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, भरत जी ने सोने की मोहरें उठाई और लुटा दी उसकी झोली में, जाओ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तीसरा संदेश आया महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले आपके पिता जगत पिता ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो अरिहंत पद पर भूषित। भरत जी ने देखा पिता को केवल ज्ञान, मोहरे भी फेंकी और हार भी फेंका, सिंहासन से उतरते हैं, सात कदम चलकर उस दिशा में जहां भगवान विराज रहे हैं साष्टांग नमस्कार किया करते हैं। लोगों ने कहा महाराज पहले क्या करोगे, बेटे का मुंह देखोगे, चक्ररत्न की संपदा देखोगे या भगवान के समोसरण में जाओगे? चक्रवर्ती ने कहा कई बार अर्थ पुरुषार्थ किए, चक्ररत्न धन संपदा अनंत बार प्राप्त की है, अनंत बार काम पुरुषार्थ करके संतान को जन्म दिया है। हे मंत्री, ये भरत ने आज तक केवल ज्ञान नहीं देखा है, सबसे पहले मैं भगवान के समोसरण की वंदना करने को जाऊंगा। भरत जी महाराज अष्टद्रव का थाल लेकर समोसरण की ओर चल देते हैं। वो वही परंपरा आज भी है हमारे यहाँ, सबसे पहले सुबह उठते ही स्नान करते हमारी माताएं बहनें दुकान और व्यापार में नहीं, सबसे पहले हमारे भाई लोग भगवान के अभिषेक और पूजन को जाया करते हैं, भगवान की वंदना किया करते हैं। है ऐसा कोई धर्म जहाँ पहले वो भजन फिर भोजन किया जाता है?
चले भरत जी, श्रेणिक महाराज ने कहा कि चलो भगवान के समोसरण की तरफ चलते। संदेश वाहक से कह दिया, जाओ पूरे नगर में घोषणा करो। पहले मोबाइल तो थे नहीं कि एसएमएस कर दिया जाए, फोन कर दिया जाए, पोस्टर छपा दिया जाए, नहीं वो होती थी नगाड़ा बजता था और पूरे नगर में सूचना हो जाती थी कि राजा श्रेणिक का आदेश है कि सभी लोग भगवान की वंदना को चलेंगे। चले श्रेणिक महाराज हाथी पर बैठकर, लाओ लश्कर के साथ, पूरी सेना के साथ, पूरी प्रजाजनों के साथ, पूरे परिकर के साथ भगवान महावीर की वंदना करने के लिए। रास्ते से जा रहे हैं, बड़ा कोलाहल, बड़ा शोर है। आकाश में देखो तो देवताओं के झुंड राजा गृह की ओर आ रहे हैं। वहां से इंद्र आ रहे हैं, वहां से चारों देगति के देव, तीनों गति के मनुष्य, तीनों गति के, वहां देखो तो जानवर भाग रहे हैं। बोले कहां? बोले भगवान का समोसरण आया है। तीनों गति के जीव समोसरण की ओर भाग रहे। श्रेणिक ने देखा, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे भगवान मेरे नगर में पधारे हैं। चेलना रानी के साथ चले श्रेणिक भगवान की वंदना करने के लिए। मालूम है, एक तालाब के पास एक कोटर में एक मेंढक देखता है, क्या कोलाहल है, क्या भागदौड़ मची है, पूरा नगर उद्वेलित क्यों है, सारे के सारे क्यों, कहां भाग रहे हैं, जो देखो वो भाग रहा है, पूछो भैया कहां जाते हो तो कोई बताने को तैयार, किसी के पास वक्त ही नहीं। जैसे तुम लोग भागते हो ना सुबह 5:30, चलो चलो रास्ते में कोई, अरे किसी से बात नहीं करना, फटाफट कहां चलो, गुरुकुल चलो, गुरुकुल चलो, फटाफट जाना और फटाफट आना है, वरना गेट बंद। आज तो हो गया था गेट बंद। भाग रहे थे, किसी ने पूछा भैया कहाँ जाते, बोले अभी टाइम नहीं, अभी कहाँ जा रहे हैं, भगवान के समोसरण में। मेंढक सोचता है, मैं भी चलूं, लोग कह रहे हैं भगवान महावीर की जय हो, अरिहंत महावीर की जय हो, तीर्थंकर महावीर की जय हो। मेंढक ने कहा, ये महावीर कौन है? मेंढक क्या जाने, तिन्नाणम तारयाणम, जो खुद तरते हैं और सारे जगत को तारते हैं, वे तीर्थंकर भगवान कहलाया करते हैं। मेंढक ने सोचा, मैं भी चलूं, देख क्या रहा है, सबके हाथ में पूजन की थाल, कोई श्रीफल, कोई अष्टद्रव्य, कोई माणिक, कोई मोती। मेंढक ने कहा, मैं भी चलता हूं। क्या किया, फूल की, फूल भी नहीं, क्या क्या किया जाए, एक पंखुरी तोड़ी, फूल भी नहीं, फूल की। मेंढक बीसपंथी रहा होगा, तेरा वाला तो चावल ढूंढता कहां पड़ा है ना, उसने क्या उठाया, फूल की पंखुरी, एक गुलाब की पंखुरी मुंह में दबाए क्या लेके चला। अब गहना कितनी, इतना सा शरीर, कोई बहुत बड़ा शरीर नहीं, सोमेश जैसा छोटा सा शरीर, भावना बड़ी, क्या भावना भाई, पहले मैं दर्शन करूंगा। देखो औकात, देखो इतना सा तो है, हाथ पैर में दम नहीं, भाव कितने रखता है, पहले मैं दर्शन करूं। जो ऐसी भावनाएं रखते हैं ना, भावी निर्वाण भाजनम, सची भी सोचती है पहले दर्शन मैं करूं भगवान के, वह पहला दर्शन करती है, इंद्र से पहले मोक्ष को प्राप्त किया करती है। मेंढक ने कहा, पहले मैं दर्शन करूं। चला, कहानी मालूम है सबको, मालूम होगी, आटा तो वही होता है, उससे ही पराठा बनता है, उससे ही रोटी बनती है,
उससे ही वाटी बनती है, उससे ही पूरी बनती है, वो सबको पूरी बनाना आता है, लेकिन हर किसी के हाथ का स्वाद, तो कहानी तो वही है, कहने का अंदाज अलग है। ध्यान रखिए, ये तो तुमको भी मालूम है, कई लोग ये कहानी बोलेंगे, लेकिन स्वाद देकर के बोलना, आनंद के साथ बोलना। चला मेंढक उधर उछलता फुदकता कूदता, तालाब से बाहर निकला, कमल पाखरी मुख में दबा है, राजमार्ग पे आया, महाराजा श्रेणिक का लाव लश्कर चला आ रहा। ये राजा, ये सम्राट, मेंढक के मन में भावना उड़ी, मेंढक ने सोचा, थोड़ा सा संकुचित हुआ मेंढक, ये हाथी पर सवार और मैं छोटा सा, कैसे पहुंचूंगा भगवान के दरबार में, लेकिन जो भी हो मुझे पहले पहुंचना है, मैं उछलता जाऊंगा फुदकता जाऊंगा। देखा राजा श्रेणिक के हाथ में हीरे मोती रखे, हीरे मोतियों का थाल है। मेंढक ने देखा, मेरे मुख में कमल पाखरी और सम्राट के हाथ में महावीर मुझे देखेंगे या नहीं। मेंढक टुकुर टुकुर देख रहा है समोस हाथी को, जैसे दृष्टि पड़ी छोटी छोटी आंखें, दृष्टि पड़ी राजा श्रेणिक के हाथ, हीरे मोती जवाहरा, ये मैं कहां से लाऊं? तेरे पास है हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती मेरे मन मन में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। उत्तम मार्दव धर्म, ध्यान रख।